और बहुत ही प्यार, मतलब यूनिक सा है। अब कलर कॉम्बिनेशन, यू सी दिस साड़ी, बहुत ही प्यारा। जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, सबको पता है, नो डाउट। तो उसमें इस साड़ी का आना तो बनता था, क्योंकि जब साड़ियों का सीजन चलता है ना, उसमें हमेशा इसी तरह की साड़ी एकदम ग्रैंड लुक लाती है। आपने देखा भी होगा कई बार, जितने भी हमारे कलेक्शन हैं उनमें से ये वाली साड़ी का नो कंपैरिजन एनी टाइम। कैसा लगा आपको ये लुक, मुझे जरूर बताइएगा। मैं देख रही थी मेरी जो ये डोरी है ना, इसका बहुत प्यारी, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर साड़ी है, नो डाउट। कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है, और मैं देख रही थी अब इस पे नेक पीस कौन सा जाएगा। वैसे तो ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी, ये भी चलिए, सिंपल सा है। कल मैंने दूसरा वाला डाला ही था। हाय हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सच में बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जब किसी का कलर इतना ब्राइट हो ना साड़ी का, वो साड़ी ऑब्वियस बहुत सुंदर होती है। वो ही मेरे साथ साड़ी कलर कॉम्बिनेशन तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन अगर उसे पहनने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो ना, तो वो साड़ी ऑब्वियस एक ब्यूटीफुल सा लुक लेके आती है, आपने देखा होगा। और यही चीज़ मेरे साथ हो रही है, मिरर वर्क के साड़ी में, पूरा का पूरा मिरर वर्क। और वेलकम इन माय लाइफ, अगर मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो मुझे ज्वाइन करती है इस टाइम में, तो उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और वेलकम इन माय लाइफ। मोनू राठौर, आपका वीडियो बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम इन माय लाइफ, अगेन एंड अगेन, फुल सपोर्ट मोनू राठौर जी, थैंक यू सो मच। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रखा है ना, इसी वजह से मैं जितनी भी साड़ियों का कलेक्शन लेके आती हूँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक रहता है, आपने देखा ही होगा। और मुझे साड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और उसके बाद जब मैं साड़ियाँ लेके आती हूँ, तो फुल ऑफ द फैमिली, जब मेरी इतनी बड़ी बिग 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 फैमिली है और वो सब रहती है कि हाँ भाई ट्रेडिशनल साड़ियाँ होनी चाहिए, और उसके बाद उनका लुक विजय 1983, हेलो वेलकम इन माई लाइफ। और जिस जिसको मतलब अच्छी लगती है मेरी सारी ब्लॉग्स, जो मैं ब्लॉग भी शूट करती हूँ, ब्लॉग्स भी डालती हूँ अपनी डेली रूटीन लाइफ और रेगुलर रूटीन लाइफ, जो भी मतलब मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए तहे दिल से स्वागत, बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। नीता गोस्वामी, हेलो नीता जी, फिर से आपका वेलकम हमारी अपनी लाइफ में। अब निकला तो ये रही बहुत ही सुंदर प्यारी सी साड़ी,
और आज का कलर कॉम्बिनेशन जैसा फाइनल करा ना मैंने, पहली तो ये मैंने पहले भी है, कई बार पहले भी दोबारा या तिबारा मेरा नंबर आता है, लेकिन लुक हमेशा चेंज होता है और उसका डिज़ाइनिंग पैटर्न जैसे कि आप सबको पता बहुत ही प्यारा है, नो डाउट। और अभी बनाऊंगी इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स भी डालूंगी, थोड़ी देर बाद आएगी इसकी रील्स, लुक बहुत सुंदर, नो डाउट। और अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ दिनों से जैसे मैंने क्लास ज्वाइन करी है, अभी जुम्बा क्लासेस स्टार्ट करी है मैंने, सबने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, तो मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट किया और उसके बाद ही मैंने ज्वाइन किया है। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा वेट ना अपने आप ही, कुछ तो मौसम का चेंजमेंट है ही है, लेकिन अगर इतनी मेहनत होती है वर्क शेड्यूल के बाद मैं अपने आप को भी बहुत टाइम देने लगी हूँ। और ये मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर ही लिया है विद फिटनेस के साथ, क्योंकि फिटनेस की सबसे ज़्यादा नीड होती है। हेलो, वेलकम इन माय लाइफ। हाँ जी, प्लीज़ डू लाइक इन अल्ट्रा लोवर साड़ी। सॉरी, मुझे ज़्यादातर जैसा कि साड़ियों से क्रेजिंग रहती है ना, तो साड़ियों का जो ये वाला लुक होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा, इतना ही ज़्यादा पसंद आता। और वैसे भी ना जैसे कि लेंथ होती है ना हमारी अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर, तो उसमें क्या होता है इतने सारे लुक होते हैं, इतनी सारी प्लेसमेंट्स होती हैं साड़ियों की, तो उसका जो डिज़ाइनर होता है वो किस तरह से कैसे जचता है ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि हाँ भाई मैं साड़ियाँ वेयर करती हूँ और उसके बाद आप मेरे को साड़ियों की कलेक्शन में जैसे पसंद करते हैं। और उसके बाद मेरी इतनी प्यारी प्यारी सी बड़ी सी फैमिली है जो आप सब भी हैं, और साथ के साथ मेरी फ्रेंड्स फैमिली भी कभी कभी मुझे ज्वाइन करती है, तो मुझे बड़ा जैसे बड़ा हार्ट सा फील होता है और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे अपने मुझे देख रहे होते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं जैसे मॉर्निंग में भी या कभी भी मेरी मुलाकात होती है कुछ दिनों बाद, तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ आपने जो वो वाली साड़ी पहनी थी वो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, उस साड़ी का लुक आपने बहुत प्यारा लिया था, या उसके ऊपर इयर रिंग्स नेक पीस आपने ऐसा लिया था। हेलो, तो इस तरह से जितने भी कमेंट होते हैं वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, या लाइव में हो या इंटर लाइन हो, मतलब बाद में हो, ठीक है, आफ्टर लाइन लाइव के बाद भी। तो जितने भी मतलब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन माई लाइफ अगेन एंड अगेन। कैसी लगी मेरी ये वाली साड़ी, और बहुत सारे कलेक्शन डालती हूँ डिफरेंट डिफरेंट, और फेस्टिवल से रिलेटेड इतने सारे सीजन्स आ चुके हैं, फेस्टिवल का सीजन है और कभी दिवाली आएगी, कभी दो जाएगी, कभी गोवर्धन आएगी और फिर भाई दो जाएगी, और उसके बाद जितना भी मतलब नवरात्रि रहेगी, नवरात्रियों में तो मेरे आप रेगुलर ही देखना, रोज़ रोज़ एक न्यू साड़ियाँ रहेंगी, कलेक्शन बहुत प्यारा होगा। उसके बाद जो मैं पहनूंगी वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि मुझे ना साड़ियों का बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। साड़ी वैसे भी ना, साड़ी अगर बहुत बेहतरीन हो तो लुक अपने आप ही बहुत ही बेहतरीन आता है, नो डाउट। और ये वाली साड़ी बहुत ही सुंदर है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, पहले भी मैंने ये थोड़े से दूसरे लुक में ट्राई की थी, लेकिन इस बार जब मैंने डाली है तो मैंने इसका डिफरेंट चेंज कर दिया है, और कलर कॉम्बिनेशन क्योंकि ये गोल्डन सिमर जो दोनों जा रहा है, सिल्वर कलर भी है गोल्डन कलर भी है, तो मैंने आज इसको सिल्वर कैरी किया और सिल्वर के साथ मैंने ये बोथ साइड मतलब सिल्वर भी और गोल्ड भी दोनों में ले लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसे लगते हैं मेरी सारी की सारी साड़ियाँ रिलेटेड बाय माय ब्लॉग्स, कंटिन्यू आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सबका अप्रिशिएशन ही रहता है जो मुझे हर न्यू लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई मुझे आज एक डिफरेंट साड़ी लानी है, और आप सब वेट कर रहे होंगे तो क्यों ना एक नई लाइव लाई जाए। तो बताइए कैसा लगा मेरा लुक,
और कैसी लगी मेरी ये पीच कलर की साड़ी जो मैंने आज पहनी है। लुक एट माई साड़ी, अभी मैंने इसका लुक आपको दिखाया ही था, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। और देखिए साड़ी बिल्कुल ईजली ईज होके ऐसी ही, और मिरर वर्क है इसमें सारा का सारा। क्लोजली आप देखें तो इसमें मिरर वर्क है, और मुझे इस तरह के सारे कलेक्शन ना बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि मुझे इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि पहनने के बाद ना अनकम्फर्टेबल कभी नहीं होते। इसलिए हमेशा अगर समर्स में या ये मौसम चेंज होने के बाद जो ये वेदर है, इसमें जब भी कलेक्शन डालें कुछ ऐसा डालें जो आपको इरिटेट ना करे, क्योंकि जब इरिटेट करने लगता है ना और अपने आप ही मन मतलब विकार से होने लगता है अगर आप डाल दो कोई भी साड़ी, तो आप सबको पता ही है कि मतलब कितना ऑब्वियस स्पॉइल हो जाता है, स्पॉइल मूड हो जाता है, तो साड़ी कैसे वेयर कर सकते हैं, कैसे अपनी कलेक्शन को शो कर सकते हैं। तो हमारा तो जैसे भारतीय नारी हैं तो साड़ी पहनना हमारा तुल्य धर्म बोल सकते हैं, जितने भी फेस्टिवल आते हैं हम उसमें साड़ी ही वेयर करते हैं। तो ये होते हैं हमारे ट्रेडिशंस में डिफरेंट डिफरेंट साड़ी के लुक, जो मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ अपने सारे चैनल्स पे जो मेरे होते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैंने बहुत क्लीन अप कर रखे हैं, ये इसलिए कर रखे हैं क्योंकि ना जब फेस्टिवल में नेल पेंट करूँगी ना, अभी लगाऊंगी, दो तीन कलर लेके आई हूँ मैं, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड पीच कलर, चॉकलेटी कलर, इस तरह के ग्रे कलर, ये मैंने चूज़ किए हैं अपने नेल्स के लिए और उसके बाद ही यूज़ करूँगी। तो कैसी लगती है मेरी साड़ियाँ और किस तरह के होते हैं मेरे लुक्स, श्योरली टेल मी अबाउट दैट। और ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, और हमेशा कलेक्शन जब मुझे पसंद आता है हमेशा वही साड़ी मैं लेके आती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा। और वो मेरा पूरा का पूरा ना जैसे ज्वेलरी बॉक्स जो होता है ना, उसे मैं लेके ही आती हूँ शाम के टाइम, जैसे इवनिंग में मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या पसंद आ जाए किस टाइम में, तो इसीलिए मुझे भी महसूस होती कि मतलब मुझे क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। तो मैं वह सारा का सारा कलेक्शन आप सबके बीच में लेके आती हूँ और फिर डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ डाल के दिखाती हूँ, और आप सबको मेरी साड़ियाँ या मेरी कलेक्शंस बहुत अच्छे लगते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वॉचिंग माई लाइफ अगेन एंड अगेन, थैंक यू सो मच। तो चलिए हेयर खोल कर रखा करो और नेल पेंट ब्लैक यूज़ किया करो, श्योरली ओके एंड नाइस टू सजेशन, आपका सजेशन मुझे अच्छा लगा। और बाकी नेल्स वगैरह मैं करूँगी लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि थोड़ा सा और फेयर हो जाएंगे कलर देखिए, और नेल्स मेरे थोड़े से और बढ़ जाएंगे उसके बाद। चलिए आज की लाइव का एंड होने का टाइम आ गया है, 14 या 15 मिनट की करूँगी, और अभी 5 मिनट बाद दोबारा से इस पर लाइव कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लाइव का टाइमिंग मैंने 18:19 रहता था तो उसी तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो पार्ट में। तो चलिए गुड नाइट एवरीवन, अगेन लाइव डिफरेंट इयरिंग्स स्टाइल, ओके।